तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सिंगिंग और आपकी स्ट्रीमिंग मैच नहीं हो पाती, ये देखो प्रो लेवल का तरीका। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी सिंगिंग और स्ट्रीमिंग किस तरीके से मैच होगी, ठीक है? एक डेमो देख लेता, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक गाने का एग्जांपल ले रहा हूँ, बातें कुछ अनकहीं सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, बहुत एंट्री लेवल का सॉन्ग है। जैसे कि हमें सिंगिंग जब हम करते हैं और हम स्ट्रीमिंग करते हैं, तो हमारी सिंगिंग तो ठीक है, स्ट्रीमिंग भूल जाते हैं। हम स्ट्रीमिंग करते हैं, सिंगिंग भूल जाते हैं। सपोज अब मैं, ये टेम्पो है हमारा सिंगिंग का, लेकिन इस टेम्पो के साथ बिगिनर्स नहीं चलते। आपको सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई होगी, बट ये आपको ना पता ही नहीं चलती एक्चुअली टेम्पो है क्या। अब मैं इस टेम्पो के साथ गाना गाऊंगा एंड एक्यूरेट मैच होएगा। बातें कुछ कहीं सी, कुछ सुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। लाला 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 लाला, हो हो, शायद यही है प्यार, शायद यही। आपको इस टेम्पो के साथ चलना है मेरे भाई, पकड़ के इस टेम्पो को चलना है, इस टेम्पो के साथ चलना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वीडियो में देखते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, बढ़ते वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं आपको इस वीडियो में, एंड पूरी लाइफ टाइम में अपने याद रखना कि जब भी आप सिंगिंग के साथ स्ट्रीमिंग करना चालू कर रहे हो, तो कभी भी स्ट्रीमिंग नहीं करनी अपनी सिंगिंग के साथ, ठीक है? अपनी सिंगिंग के साथ कभी भी स्ट्रीमिंग नहीं करनी, स्ट्रीमिंग से गाना नहीं उठाना। सबसे पहले आपको इस टेम्पो के साथ चलना है, ये है हमारा मेट्रोनोम। मेट्रोनोम बोलते हैं हम इसे, टाइम सिग्नेचर बोलते हैं, जो हम गाने का टेम्पो क्या है। टेम्पो भी तो आपको पता होना चाहिए, टेम्पो है ये 1 2 3 4। अब 4 के अंदर आपको गाना बिठाना है, ये जो टक टक चल रहा है, 1 टक टक टक, 1 2 3 4, इस 4 के अंदर आपको अपना गाने की लाइन बिठानी है। किस तरीके से बिठाने वो देखते हैं। कभी भी स्ट्रीमिंग से स्टार्ट मत करना, ये हमेशा एंड तक याद रखना अपनी लाइफ के एंड। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसको चलाऊंगा एंड मैं पहले ना इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी आप, मतलब कि मैं गाना गा रहा हूं, बातें कुछ कहीं सी, कुछ सुनी सी होने लगी, ठीक है? अब मैं इसके साथ मैं क्या करूंगा, जब मैं गाना करूंगा ना, जब मैं गाना गाऊंगा तो स्ट्रीमिंग से नहीं उठाऊंगा अपना, 1 2 3 4 करूंगा, खाली डाउन डाउन करूंगा बस। अब मैं खाली डाउन डाउन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। कैसे ये चलेगा टक, तो मुझे एक बार स्ट्रीम करना है अपने कोड पे, गाने के कोड ले लेना एंड कोड पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करा, अब मैं जो टक होएगा उसमें मैं एक बार स्ट्रम करूंगा, अब फिर टक होएगा फिर मैं ये स्ट्रम करूंगा, या मैं क्या करूंगा, एक 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 ही कोड पे 4 बार टक करना, मतलब कि दो तीन चार, ये कम से कम 5 मिनट तक नॉन स्टॉप आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक मैं दिखाता हूं, जब ये टक होएगा यहाँ पे करना है, फिर दूसरा होएगा फिर यहाँ करना है, एक कोड पे 4 बार टक लेना है, यहाँ पे 4 बार टक लेना है, यहाँ पे 4 बार टक लेना है, डी मेजर पे, ई मेजर पे 4 बार टक लेना है, टक 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 टक। अब मुझे इस 4 के अंदर गाना भी गाना है और सिंगिंग भी करनी है, लाइक बातें कुछ का। अब नेक्स्ट कोड 4 बार हो गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बार करूंगा मैं, नेक्स्ट कोड मेरा अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। बातें कुछ 4 बार हो गया, 1 2 3 4, बातें कुछ का। अब नेक्स्ट कोड लगा दूंगा, नीसी कुछ सो नीसी होने
तरीके से आपको स्ट्रमिंग नहीं करनी, इस तरीके से हमारी सिंगिंग और स्ट्रमिंग मैच होती है। ये इसके साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है, अब आपको ये चार चार का कर लिया, अब आपको जो सिंगिंग है ना वो इससे मैच करनी है अपनी। गिटार को छोड़ दो एंड स्ट्रमिंग को भी छोड़ दो, पहले अपनी सिंगिंग इसके साथ मैच करो। लाइक बातें कुछन कहीं सी कुछन सुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना हस्ती हमारी खोने लगी। इस तरीके से आपको मैच करना है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने चार करा है ना उस चार के जो मैंने करा बातें कुछ, ये मैं चार कर रहा हूं यहां पे हैंड पे देखना, ये मैं चार करूंगा खाली, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। बातें कुछ का खत्म, अब मेरा नेक्स्ट कोड चला जाएगा इसी कुछ का खत्म, अब मैं यहां पे चार करूंगा इसी होने, अब मैं चार खत्म, अब यहां पे करूंगा लग खत्म। अब मैं इस चार के अंदर अब मैं किसी को दो बार डाउन ले लूंगा, किसी को तीन बार अप ले लूंगा, तो वही मेरी स्ट्रीमिंग हो जाएगी। ये भी मेरी एक तरीके की स्ट्रीमिंग चल रही है, ये मेरा टेम्पो भी चल रहा है और ये मेरी स्ट्रीमिंग भी चल रही है। एक तरफ से देखोगे ना एडवांस लेवल की तरफ से तो ये मेरी स्ट्रीमिंग ही चल रही है। बट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, खाली डाउन कर रहा हूँ, सारे मैंने डाउन ले लिए। इसमारे आपको लग रहा है कि बेकार है, इसलिए आपको लग रहा है, ये बिगनर्स लेवल से उठने का तरीका है। अब मैं किसी को डाउन ले लूंगा, किसी को अप ले लूंगा, या किसी को चक ले लूंगा। लाइक बातें कुछ कहीं सी कुछ सुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा हस्ती हमारी। ये जो गाना है ना बात कुछ कहीं सी, ये मैं इस मारे बार बार लेता हूँ अपने लेसन में। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एंट्री लेवल का गाना है बिगनर्स के लिए, एंड मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन ये गाने में ना इस तरीके का है कि हमारे जो पहला वर्ड है ना उसी पे हमारी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे गाने होते हैं कि हमारे पहले स्ट्रीमिंग चालू होती है फिर गाना उठता है, ठीक है, ये ऐसे भी बहुत सारे सॉन्ग हैं, लेकिन ये हमारा एंट्री लेवल का गाना है, इसलिए मैं ये वाले सॉन्ग को लेता हूँ। आपने देखा होगा मैंने दो तीन बार इस सॉन्ग का जिक्र कर लिया। तो अब हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, खाली स्ट्रीमिंग नहीं करनी, खाली तीन चार, और ये चार की कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले टेम्पो के साथ प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ पे वर्क करोगे तो आपकी 100% आपकी सिंगिंग और स्ट्रीमिंग मैच हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स और नेक्स्ट लेसन क्या चाहिए आपको, मैं इसी तरीके का लेसन लाता हूँ आपके कमेंट के बेस पे। नेक्स्ट लेसन क्या चाहिए उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।